ये इतनी चिपकू है, ये बिल्कुल चिपकी रहती है। एंड यू कैन सी ये खड़ी हुई है, ये बैठी नहीं है, पूरी ऊपर नहीं आई है। चलो अलास्का नीचे। सो एवरीबडी, फाइनली द डे इज हियर। जिस दिन हम डक्स को लेकर जाने वाले हैं टू द शेल्टर, शेल्टर में हमने उनका एक छोटा सा इंक्लोजर तैयार किया है। आई एम गोना शो यू गाइज पूरा अच्छे से। वहाँ पे इनका छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी है एंड दे आर गोना एंजॉय देयर मोर ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर नॉट मेंट फॉर द अपार्टमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, आई जस्ट हैड टू कीप देम ओवर हियर क्योंकि और कोई जगह नहीं थी और कोई नहीं था जो इनको अच्छे से रख पाए। सो यस, आज हम इनको लेकर जा रहे हैं एंड दे जस्ट हैड अ बाथ येस्टरडे। कल ये नहाई हैं बहुत अच्छे से तो ये आज इतनी चमक रही हैं। मैं थोड़ा सा थक गया था तो इसलिए ऐसे लेटा हुआ हूँ। एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस। और मैं जाता हूँ एंड आई एम गोना कैच द डक्स। उनको एक क्रेट में रखते हैं और फिर चलते हैं शेल्टर। यस, लेट्स गो। फ्लोरिडा थोड़ी ज़्यादा बदतमीज है। यस, भारत, इसके बारे में भी आई एम गोना डू अ वीडियो। ओए भारत भारत, ही इज आल्सो अ रेस्क्यूड बॉय, ही इज वेरी स्वीट। So that is the enclosure for the duck. इसको final करके we gonna keep them inside. अरे तुमने यहाँ पे cover कर दिया था? फाइनली आर डक्स आर ओवर हियर। वो यहाँ पर मस्त मजे मार रही हैं। दे हैव अ बिग हाउस नाउ और कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
हमने इसको कवर किया है बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़ी बिल्लियों की प्रॉब्लम होती है, बिल्लियां एनक्लोजर में घुस के बत्तखों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सो यस, इट इज फाइनली कवर्ड प्रॉपर। एक पीछे इनके लिए पूल भी है जो कि थोड़ा सा डीप है, जिसमें इनको मजा आएगा काफी। इस एनक्लोजर में ये दोनों ही रहने वाले हैं, तो दिस प्लेस इज देयर जोन। एंड दे आर हैविंग फन। हमने थोड़ा सा पानी यहाँ पर भी रख दिया है, ताकि इनको थोड़ा पानी पीना हो तो सीधा उसके लिए भी पूल में ना जाना पड़े। एंड दे आर हैविंग फन। हाँ, मस्त। हमने सैलेड दिया हुआ है उनको, एंड दे आर हैविंग सैलेड। खाना नहीं है, बस मजे मारने। Oh, yeah.